एक बार दिखाइए जरा गौरव वल्लभ जी के कुछ बयान। 24 घंटे राहुल जी के साथ बिताए और फिर बताए कि कौन सा 5 स्टार है। विद साहब कमर है ना, कमर ये अकड़ जाएगी। 3 दिन तक आप बैठ नहीं पाएंगे और चल नहीं पाएंगे। हमारे बिहाफ पर भारत सरकार ने हमारे ऊपर 1,09,000 रुपए का कर्ज चढ़ाया हुआ है प्रति हिंदुस्तानी पर। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज हिंदुस्तान में। नहीं चाहिए हमें ऐसा अमृतकाल जहां पर देश में भुखमरी की रैंकिंग 121 देशों में 107वें नंबर पर हो। मित्रकाल में बड़ी बेरहम हो गई है मोदी सरकार। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर रुपी 2100 के पार। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। 2 नहीं ये 3 गले वाले हैं। और सर अगर 4 राज्यों 5 राज्यों 7 राज्यों में चुनाव होता तो 7 गले आ जाते उनके। मैं तो सिर्फ एक ही बात सरकार से चाहता हूँ कि आज मोदी जी और जो उनके सिविल एविएशन मंत्री महाराजा जी दोनों गंगा मैया को पानी को हाथ में रखें और बोले कि इस एयरपोर्ट को हम बेचेंगे। हमने इसमें सनातन का कोई भी आपका नहीं, बयान नहीं दिखाया, लेकिन सवाल एक मिनट सवाल होने नहीं, 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 सवाल नहीं, नहीं, एक बात निशांत अंशुमन जी वहां बैठे। निशांत जी एक बात, जो मैंने 3 मुद्दे बताए जो मैंने अपनी चिट्ठी में इंगित किया, सनातन का विरोध, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, आप मेरा कोई भी बयान इन 3 मुद्दे के खिलाफ दिखाइए। इन मुद्दों पर क्या आप बीजेपी को सजेशन देंगे? कह रहा हूं मैं आपको चुनाव जो मुद्दे दिखाए क्या आप उसमें बीजेपी को सजेशन देंगे? मेरे 10 बयान दिखाए ठीक है क्या, लेकिन क्या ये सच था? आप ये नहीं कह सकते कि आपका कोई हमने सनातन विरोध का बयान कहीं नहीं दिखाओगे। लेकिन 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 जो आप बोल रहे थे क्या वो सच था? अब मेरी बात आ जाइए फिर मैं वापिस जो मैंने आपको बोला, देर आर सर्टेन कंडीशन विच आर अननेगोशिएबल। इनमें से कौन सी अननेगोशिएबल थी? मैंने जो 3 बातें बताई मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने 3 ये वो तो हो गया ये अच्छा इसमें भी आपने जित इनमें जो कंडीशन थी आपने 4 बयान की जगह 10 बयान दिखाए। अच्छा है आपकी रिसर्च टीम बढ़िया काम कर रही है ये तो मैं कह सकता हूँ, पर मैंने एक भी पॉलिसी लेवल के अलावा कोई बात करी। तो इनमें से कौन सा ऐसा बयान है जो पॉलिसी लेवल पर आपको साफ तौर पर दिखता है कि बीजेपी को करेक्शन करना चाहिए? देखिए आज सुबह भी कल भी मैंने कोई बयान प्रेशर में था इसमें से? मैं एक मिनट, कोई बयान नहीं, कोई प्रेशर में ये सारे सच थे। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई प्रेशर में मैं और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ थी जो आपने दिखाई, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंतिम जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने दिखाई उसमें मैंने कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी दिए। आप अगर मेरी कोई भी PR आपके, मैं रिसर्च टीम को कहूँगा मेरी कोई भी प्रेस रिलीज निकाल के देख ले, महंगाई है तो कैसे घटेगी उसके बारे में मैं 2 पैराग्राफ अंत में मैं लिख के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं था। नहीं लेकिन आपने एक बयान BBC को दिया, मैं वो दिखा नहीं रहा हूं कि मैं मरते दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं क्या करूं, मैं सनातन विरोध का नारा नहीं लगा सकता जो वहां जरूरी था। अच्छा एक मिनट, मैं जयशंकर सर के पास आ रहा हूँ। अब मेरे पास 2 चारे थे। नहीं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं, एक मिनट, राहुल गांधी का ये कहना है कि डरो मत और गौरव वल्लभ डर गए, ऐसे कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। निशान जी मैं एक बात, मेरे पास 2 चारे थे, आप तो ये बोलो कि साहब आप मरते दम तक, मेरे पास 1 चारा था, या तो मैं जिंदा वहां रहता और सनातन विरोध एक ऑप्शन तो वो था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करता रहता, एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता ये था कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सनातन विरोध के नारे बंद करूं, मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करूं, मैंने दूसरा रास्ता चुना। अच्छा, तो साहब जिंदा रहना जरूरी था मेरा। अच्छा नहीं वो तो ये जिंदा रहना जरूरी है तो आप आम आदमी पार्टी क्यों नहीं गए, वो तो सुंदरकांड कर रहे थे, आप ममता बनर्जी TMC चले जाते, वो काली पूजा कर रहे थे। इसका नाम लिया साहब इस कलयुग का, और मैं कांग्रेस के लोगों को पिछले 6 महीने में रामकृपाल जी मैंने 5 बार बोला ये बात कि कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है। उसके लेवल का भ्रष्टाचार भूतों ना भविष्यता है, क्योंकि क्योंकि उसने जो भ्रष्टाचार किया है वो
और पॉलिटिशियंस तो साहब ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन थी। वो तो आया था एकदम क्लीन, साफ सफाई वाला, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और इतना खुला भ्रष्टाचार ही किया। उससे अच्छा तो साहब मैं कॉरपोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक लेके अंशुमान जी वापिस सीए फाइनल को पढ़ाना चालू कर देता। मैं अपने एडिटर्स पर आ रहा हूँ, लेकिन जो हमने बयान दिखाए सर, अभी एक मिनट में आ रहा हूँ, बस एक मिनट, जो हमने बयान दिखाए उसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई क्लैरिफिकेशन देना है, कुछ भी बताना है, तो आप कह सकते हैं। मैंने जितने भी आपके बयान सुने, भले ही वो महंगाई का इश्यू हो, मैंने उस पर क्या होना चाहिए वो लिखा। भले ही आपने बेरोजगारी कंस्ट्रक्टिव सजेशन, हाँ बेरोजगारी वाली बात है, वो बेरोजगारी की दर ये है, इसको सुधारने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आपको मैं बोलता हूँ, निशान जी अपने रिसर्च टीम से निकलवाइए, कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठकर मैंने पीएलआई स्कीम के फेवर में स्टेटमेंट दिया अंशुमान जी कि प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रोजगार का सृजन हुआ। कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ के मेरे से पत्रकार ने पूछा, अरे कोई तो अच्छी चीज बताओ, तो मैंने कहा, तुरंत बताया कि स्वच्छ भारत अभियान एक तरह की जागृति वाला अभियान है, इससे देश को फायदा हुआ। कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ के मेरे से बजट के दौरान कई, जैसे इस बार तो मैं गया नहीं क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, मैंने कहा मैं अपना मुंह छोटा करके टीवी डिबेट से नहीं आ सकता, पर पहले मैं जब भी बजट में जाता था तो मेरे से पूछते थे, अरे कोई तो अच्छी बात हुई होगी, ऐसे एंकर पूछते थे। मैंने कहता था, साहब ये कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाया जा रहा है निरंतर रूप से, वो एक अच्छी बात है। मैं ये कहता था किसान सम्मान निधि जो 6,000 है वो अच्छी बात है, इसको 6 को 10,000 करने की जरूरत है। ये कहने की ताकत थी मेरे में।